बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं जी बच्चों। लास्ट टाइम हमने आपका चैप्टर नंबर 3 सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्ट किया था, और इसमें हमने आपको सुन्नत के मायने बताए थे कि सुन्नत क्या है, और इसके अलावा सुन्नत की क्या अहमियत है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, और अल्लाह ताला ने उस पर अमल करने का जो हुक्म दिया है उस के लिए हमने मुख्तलिफ़ किस्म के अल्लाह ताला के इरशादात को जो है वो डिस्कस किया था, समझा था। और फिर हमने पढ़ा कि हिदायत का जो तरीक़ा है वो दरअसल आप सल्लम का तरीक़ा है। तो इस तरह आप सल्लम के तरीक़े पर अमल करके जो है हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। सुन्नत जो है मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम की जो है वो तरीक़ेकार है जिस पर अमल करना लाजमी है, यानी कि अल्लाह ताला ने जो अहकामात दुनिया में दिए और नबियों ने उन पर अमल किया, ये उन नबियों की सुन्नत है। ठीक है, उसके बाद सबसे आखिर में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं, और फिर आप सल्लम ने तमाम अम्बिया की उस सुन्नत को जो है जारी रखा, और जो है उस पर जो अमल किया उसको रहती दुनिया तक के लिए अल्लाह ताला ने महफूज कर दिया। इसके अलावा आप सल्लम ने अपनी ज़िंदगी को जो है ज़िंदगी के हर हर पहलू पे जो है उस पर जो भी अमल किया, जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी, आपने मुख्तलिफ़ तरीक़े बताए, और अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम ने अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारा, और हर हर अमल जो है हर काम जो है वो बेहतरीन तरीके से किया, अहसन तरीके से किया, तो उन तमाम कामों को हम जो है आप सल्लम के उस्वे हसना कहते हैं। ठीक है, तो आज आपको उस्वे हसना की डेफिनेशन आपको बता सकते हैं बच्चों। तो उस्वे हसना यानी कि अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का हर काम हर अमल बेहतरीन और अहसन तरीके से अंजाम दिया, अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारा, और आप सल्लम के ये आमाल, आप सल्लम का ये तरीक़ा जो है उनको हम कहते हैं उस्वे हसना। ठीक है बच्चों, तो उस्वे हसना के समझ में आ गया आपको उस्वे हसना क्या है। उसके बाद इसकी हम मिसालें लेते हैं कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि पानी कैसे पीते हैं, पानी पीने के आदाब क्या हैं। पानी तो सभी पीते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहसन तरीके से पानी पीने का तरीका अपनाया, और वही जो है अखलाके उनके उस्वे हसना बन गया और हमारे लिए काबिले तकलीद हो गया। अगर आज हम उन पर अमल करते हैं तो यकीनन बहुत ज़्यादा सवाब के मुस्तहिक होंगे, और अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा भी हो जाएंगे हम। तो अल्लाह ताला के नबी ने पानी पीने का तरीका बताया कि पानी जो है वो बैठ कर पिए, 3 सांस में पिए, पानी पीने से पहले उसको अच्छी तरह देख लें कि उसमें कोई कीड़ा या कोई कचरा तो नहीं है, साफ पानी पिए, ठीक है, और बिस्मिल्लाह पढ़ के पिए। तो इसी तरह से अल्लाह ताला के नबी ने खाना खाने के तरीके बताए, खाना खाने के आदाब बताए कि खाना खाने से पहले हाथ धोएं, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें, अपने सामने से खाना खाएं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये सारे जो है अखलाके हसना या उस्वे हसना है। ठीक है, पानी पीने के आदाब बताए,
खाना खाने के तरीके, खाना खाने के आदाब बताए। आप वसल्लम ने फरमाया कि खाना खाने से पहले हाथ धो लें, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएं, इसके अलावा जितना आपको खाना है उतना खाना जो है अपनी प्लेट में निकालें, खाना खाते वक्त आवाज़ ना निकालें मुँह से, और इसके अलावा जो है अपने सामने से खाएं, ठीक है, गैर ज़रूरी बातें ना करें खाने के दौरान। तो ये खाने के आदाब हैं, वरना खाना तो जो है वो सभी लोग खाते हैं, लेकिन आप सल्लम ने उसको बड़े एहसन तरीके से खाना खाकर बताया, हम उस तरीके को बताया, हम बता के आने वाले जो उम्मत है उनके जो उम्मत के लोग हैं वो उस पर अमल करें और बेहतरीन इंसान बन जाए, क्योंकि आप सल्लम का जो अमल है वो बेहतरीन अमल है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन इंसान जो है वो आप सल्लम की ज़ात है और आप सल्लम का किरदार है। इसलिए फरमाया गया कि आप अखलाक के बुलंद दर्जे पर हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सल्लम ने जो है ये बताया कि दूसरों के घर में जाने के क्या आदाब हैं, कि अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं तो जाने से पहले उनके घर में दाखिल होने से पहले उनसे इजाज़त लें, उनका दरवाज़ा खटखटाएं और फिर उनसे इजाज़त लें, तीन बार इजाज़त मांगें, और अगर वो इजाज़त ना दे तीन बार मांगने के बावजूद तो आप उनके घर में दाखिल ना हो। ये आप सल्लम ने हमें बताया, किसी के घर में बग़ैर इजाज़त दाखिल ना हो। तो इस तरह दूसरों के घर में जाने के आदाब बताए। अल्लाह ताला के नबी ने ज़िंदगी के हर हर पहलू पर जो है वो के लिए हम पहलू में जो है हमारे लिए मिसालें छोड़ी, हर काम उन्होंने करके दिखाया अमली तौर पर, ताकि लोग ये ना कह सकें कि ये काम बहुत मुश्किल है। आप सल्लम ने तिजारत व कारोबार करने के तरीके बताए, तिजारत व कारोबार करने के आदाब बताए। कोई भी कारोबार किया जाए, कोई भी कारोबार किया जाए दयानतदारी के साथ किया जाए, अपना माल बेचते वक्त बेजा तारीफ ना की जाए, खाम खा के उसको जो है बड़ा चढ़ाकर जो है वो उसको पेश ना किया जाए, और अगर उसमें कोई नुक्स है तो उसको छुपाया ना जाए बल्कि उसको बता दिया जाए। ईमानदारी के साथ जो है वो कारोबार किया जाए, पहली शर्त रखी दयानतदारी, ईमानदारी, ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने कारोबार और तिजारत करने के जो है वो हमें आदाब बताए। घर में बीवी बच्चों के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ आप कैसे रह सकते हैं, आपको कैसे रहना चाहिए, अल्लाह के नबी ने ये भी करके दिखाया, ये भी बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में अपनी बीवियों के साथ, अजवाज मुतहरात के साथ रहते थे और सबके साथ यकसा सुलूक करते थे, और आप सल्लम सबके साथ जो है वो प्यार और मोहब्बत का सुलूक रखते थे, और बच्चों के साथ इंतहाई शफकत से पेश आते थे। घर में बेजा जो है वो दखल अंदाजी या इस तरह से गुस्सा नहीं करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहुत सारे काम, तकरीबन सारे काम खुद कर लिया करते थे। आप सल्लम के जूता फट जाता था उसको सी लिया करते थे, कपड़े फट जाते थे उसमें पैमल लगा लिया करते थे, अपनी बीवियों के साथ मिलकर घर के काम काज करवाते थे। तो ये सब ये सब जो है ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने बता दिया कि इस तरह से मेरे तरीके पर अमल करोगे तो यकीनन तुम्हारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और यकीनन आखिरत भी आसान हो जाएगी। आखिरत में भी तुम्हें जो है वो आसानियाँ ही आसानियाँ होंगी कि अल्लाह ताला तुमसे खुश होगा।
और तुम जो है वो तमाम मराहिल से आसानी से गुजर जाओ। तो अखलाके हसना जो है अल्लाह के नबी के वो अमल हैं जो अल्लाह के नबी ने ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताए और उनको बेहतरीन तरीके से करके दिखाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसी तरीके से आप सल्लम ने बदतरीन दुश्मनों के साथ भी सुलूक करके दिखाया, ये बताया कि बदतरीन दुश्मनों के साथ कैसा सुलूक किया जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन मक्के के जो लोग थे वो आप सल्लम के दुश्मन थे, आप सल्लम को सताया करते थे, आप सल्लम पर कभी पत्थर फेंकते थे, कभी आप पर ओझड़ी फेंक दिया करते थे, कभी आपको जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से सताते थे, और यहाँ तक कि आप सल्लम को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया और उस पर अमल करने के लिए आप सल्लम के घर का घेराव भी कर लिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आप सल्लम बहिफाजत वहाँ से रुखसत हो गए, हिजरत करके मदीने पहुँच गए। आप सल्लम के बच्चों को सताया गया, आप सल्लम पर जो ईमान ले आए थे मुसलमान हो गए थे उन सबको सताया गया, लेकिन फतह मक्का के मौके पर क्या हुआ? अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम ने उन तमाम दुश्मनों को माफ़ कर दिया। सब हैरान थे कि ये क्या हुआ, तो अल्लाह के नबी ने हमें बता दिया कि बदला लेने से माफ़ करना ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह के नबी ने हमें ये भी बताया बदतरीन दुश्मनों के साथ कैसा सुलूक किया जाए। ठीक है बच्चों, आ रहे सवाल आप लोगों के? इसके अलावा आप सल्लम ने ये भी बताया कि आपके इर्द गिर्द जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, जो बड़े लोग रहते हैं, इसके अलावा जो ज़रूरतमंद रहते हैं, जो मोहताज हैं, उन सब की कैसे मदद की जाए, उनके साथ कैसा सुलूक किया जाए। आप सल्लम एक मरतबा बाज़ार से गुज़र रहे थे तो देखा कि एक बूढ़ी औरत जो है वो चल रही है, उसको नज़र भी नहीं आता, कुछ सामान खा के सर पे जा रही है, अचानक उसको ठोकर लगती है और वो गिर जाती है। तो इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, वो जो काफिर लोग थे, तो वो सब उसका मजाक उड़ाते हैं उस बूढ़ी औरत का और उस पर खूब हंसते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उठते हैं और उस बूढ़ी औरत को उठाते हैं, उसका जो सामान होता है वो उठाते हैं और फिर उसे उसके घर तक पहुंचाते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि तुम इतनी ज़रीफ़ हो, तुम बाहर क्या करने गई थी? तो फिर उसने बताया कि मेरा कोई नहीं है और मैं जो है वो खाने पीने का इंतज़ाम करने गई थी, मुझे नज़र भी नहीं आता और इस तरह से। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आज से तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारा हर काम जो तुम्हारी ज़रूरत है वो मैं पूरी करूँगा, तुम्हें खाना वाना मैं ला के दूँगा, तुम्हारे घर की सफाई मैं करूँगा। तो आप सल्लम जो है वो बहुत नरम दिल, दर्दमंद जो है वो थे, दर्द जो है वो अल्लाह ताला का जो दिल था, अल्लाह ताला के सॉरी नबी का जो दिल था वो बहुत नरम था, दुखी हो जाता था लोगों की तकलीफ़ को देखकर, और आप सल्लम फौरन उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाया करते थे। इसी तरह से ज़रूरतमंदों की मदद किया करते थे। आप सल्लम जो है वो कभी भी अपने पास जो है वो रकम या पैसा नहीं रखते थे, जैसे ही कुछ पैसे या रकम आया करती थी आप सल्लम पूरा जो है उसको गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया करते थे। तो इस तरह से आप सल्लम ने हमारे लिए मिसाल छोड़ी कि हमें अपने इर्द गिर्द जो है जो लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, ज़रूरतमंद हैं, मोहताज हैं, उनकी उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? बुजुर्गों और मोहताजों के साथ सुलूक कैसा सुलूक होना चाहिए, सुलूक करने के तरीके। ठीक है, तो इस तरह
जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है कि जिसमें अल्लाह ताला के नबी ने हमारी रहनुमाई ना फरमाई हो, हमारे लिए कोई मिसाल ना छोड़ी हो, हमें कोई भी मसला हो, हम एक उस्ताद हैं तो उस्ताद की हैसियत से आप सल्लम चूँकि नबी थे और नबी मुअल्लिम होता है, तो आप सल्लम किस तरह जो है वो लोगों को तबलीग किया करते थे और उनकी हर बात को बर्दाश्त किया करते थे और उनका बयान करने का अंदाज ऐसा था कि लोग ना चाहते हुए भी, जो काफिर लोग थे वो ना चाहते हुए भी जो है आप सल्लम की बात को सुनने पर मजबूर हो जाया करते थे। और इसके अलावा आप सल्लम के बेशक दुश्मन थे लेकिन इसके बावजूद आप सल्लम पर ही भरोसा किया करते थे कि अपनी अमानतें जो है वो आप सल्लम के पास रखवाया करते थे और उन्हें इतना भरोसा था कि ये जो कुछ भी कहता है नबी ये सब सच कहता है। लेकिन सिर्फ अपनी जो है वो हट धर्मी और ज़िद की वजह से और से इस वजह से कि हमारे आबाओ अजदाद और माँ बाप दादा जो है वो सब यही बुतों की पूजा करते आए हैं, हम भी यही करेंगे, इसकी वजह से जो है वो इस्लाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते थे। लेकिन आप सल्लम को ही मुकम्मल समझते थे, आप सल्लम की हर बात पर यकीन करते थे, भरोसा करते थे आप सल्लम। तो यकीनन अल्लाह के नबी ने ऐसी मिसाल छोड़ी कि हर हर मौके पर जो है अल्लाह के नबी को ही जो है वो हम काबिले तकलीद जो है वो मानते हैं, ठीक है। और उस वक्त के जो मक्के के जो काफिर लोग थे उन्होंने भी जो है वो आप सल्लम पर भरोसा किया, वादे के पाबंद थे आप सल्लम और उन्हें उनको इस बात का यकीन था कि अल्लाह का नबी जो वादा करता है वो उसे पूरा करता है, ठीक है। तो इस तरह उसवे हसना को मैंने अच्छी तरह आपके सामने काफ़ी डिटेल में बयान कर दिया है। अब जो है इसकी क्या अहमियत है और अल्लाह ताला ने इसको हिदायत का सबब बनाया हमारे लिए क्यों बनाया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लम वो वाहिद इंसान हैं जिन्होंने हर ज़िंदगी का हर अमल जो है वो अल्लाह के मर्ज़ी के मुताबिक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो करके दिखाया। तो इसलिए आप सल्लम के सारे तरीक़े को और सारे इंसानों की हिदायत का सबब बनाया गया। आप जो है अपनी बुक का पेज नंबर 12 देखिए, ऊपर पैराग्राफ है चौथी लाइन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में वाहिद इंसान है जिनकी ज़िंदगी का हर अमल अल्लाह ताला के हाँ मकबूल है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को सारे इंसानों की हिदायत का सबब बनाया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लाह के नबी ने ज़िंदगी का हर अमल जो है वो बेहतरीन तरीके से एहसन तरीके से करके दिखाया और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किया, तो इसलिए अल्लाह ताला के नज़दीक उनका हर अमल जो है वो मकबूल है, काबिल कबूल है और अल्लाह ने उनके जो हर अमल को इतना मकबूल बना दिया कि अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि अल्लाह के नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ही जो है वो काबिल तक़लीद है, अमल ही बेहतर अमल है, लिहाजा अब मुसलमान उसी के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर मुसलमानों को हिदायत चाहिए तो अल्लाह के नबी के तरीक़े को देखें, यकीनन उन्हें हिदायत मिलेगी। तो अल्लाह के नबी का तरीक़ा जो है वही हिदायत का ज़रिया है, वही हिदायत का सबब है। अगर अल्लाह के पसंदीदा बनना है अल्लाह के जो है वो मकबूल बंदे बनना है तो यकीनन अल्लाह के नबी के तरीक़ों पर अमल करना पड़ेगा, तभी जो है अल्लाह के पसंदीदा और महबूब बंदे बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखें, अल्लाह ताला के यहाँ ईमान वो मोतबर है जिसकी तशरीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मौजूद है, यानी अल्लाह के नबी की जो तालीमात है वो ही हर्फ आखिर है, वही उसी पर अमल किया जाएगा। इबादत वो मकबूल है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाई हो, यानी कि अल्लाह ताला के नबी ने जो है वो नमाज का तरीक़ा हमें बताया, रोज़ा रखने का तरीक़ा बताया और जो है हज करने का तरीक़ा हमें बताया, ज़कात के मसारिफ़ कि लोगों को ज़कात देनी चाहिए, ये तमाम के तमाम जो इबादत हैं अल्लाह के नबी ने बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो हमें करके दिखाई, तो इसलिए अल्लाह ताला के नज़दीक वही जो है इबादत
मकबूल है, वही पसंदीदा है जो अल्लाह के नबी की जो है वो इत्तबा में, यानी कि उनके तरीके के मुताबिक की जाए जो अल्लाह ने तरीका बताया है, कुर्बानी का तरीका बताया अल्लाह के नबी ने। तो इस तरह से जो है ये सब के सब आमाल जो हैं, इबादात जो हैं, ये वही जो है वो मकबूल है जो आप सल्लम ने करके दिखाए। मामलात और अखलाक वो पसंदीदा हैं जो आप सल्लम से साबित हों, यानी कि जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं, जो भी आप सल्लम के अखलाक हसना हैं, वो ही जो है वो काबिल तकलीद है, वही अल्लाह ताला को पसंद है, तो उन्हीं पर अमल किया जाएगा। गर्ज ये कि आप सल्लम की ज़िंदगी का हर एक लम्हा उम्मत के लिए एक नमूना है जिस पर चल कर दुनिया आखरत की कामयाबी हासिल की जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये वो अमल है यानी अखलाक हसना, आप सल्लम का जो तरीक़ा है ज़िंदगी गुजारने का, वही तरीक़ा है जो हमें कामयाबी और कामरानी की तरफ ले जा सकता है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह के मकबूल बंदे बने, ज़िंदगी में कामयाब रहें और हमारी आखरत भी संवर जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम आप सल्लम के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लें, तो यकीनन फिर हम कभी भी नाकाम नहीं होंगे। ज़िंदगी के हर मैदान में, हर शोबे में जो है इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। इसी बात को आप सल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, लोगों मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। जब आप सल्लम ने आखिरी हज किया तो उसके हज के बाद जो खुतबा दिया, आखिरी खुतबा उसका है ये हिस्सा है, लोगों मैं तुम्हारे लिए दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम इनको मजबूती से पकड़ो तो तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। इनमें से एक अल्लाह ताला की किताब और दूसरी मेरी सुन्नत है, यानी कि एक तो कुरान मजीद हो गए, उसमें तमाम जो है वो हिदायत मौजूद है और उसकी अमली तफसीर देखनी है, तो मेरे अखलाक हसना को देखो, मेरी सुन्नत को देखो, यकीनन जो है वो तुम ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको? तो इस तरह से आज जो है हमने अखलाक हसना और उसकी अहमियत को जो है वो डिस्कस किया कि इसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है। ठीक है, तो अब आ जाइए क्लासरूम की, क्लास वर्क की तरफ। थोड़ी पहला सवाल है आपका, दो खाली जगहें पूर करें। ठीक है, ठीक है बच्चों, खाली जगह निकाल ली आप लोगों ने। आप अगला क्वेश्चन कर लीजिए जल्दी से। दो MCQs हल करें। ठीक है, MCQs हो गए आपके, आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, दो जुमले दुरुस्त करें। तो ये था आज का क्लास वर्क, अब जो है आप अपने होमवर्क की तरफ आ जाइए जल्दी से। होमवर्क है आपका, आपकी बुक का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आपकी बुक का आपकी किताब का सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 का जवाब लिखें। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, ये आपका होमवर्क हो गया है और इसके साथ ही आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह ताला इसके लास्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।